Namaste. I congratulate you and welcome you on the occasion of the International Day of Yoga. तो मैं द्युतमा से कहूँगा पहले शुरुआत करेंगे एक सबसे अच्छे आसन के साथ जो स्ट्रेस के लिए बहुत अच्छा है. इसको बोलते हैं शवासन और इसको हम लोग लेट करके करते हैं या आप ज़मीन पर भी लेट करके कर सकते हैं या बिस्तर के ऊपर भी आप लेट करके कर सकते हैं. इसको करने में यह है कि दोनों पैरों के बीच में कम से कम कंधे का फासला होना चाहिए. हाथ शरीर से 6 से 8 इंच मैक्सिमम 1 फुट की दूरी में, हथेलियों का रुख ऊपर की तरफ. शवासन के बाद दोनों पैरों को जोड़ लें, सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींचें, स्ट्रेच द होल बॉडी. सांस बाहर छोड़ते हुए करवट लेकर के उठ के बैठ जाएं और खड़े हो जाएं. अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार. तो सूर्य नमस्कार भी किसी भी जने के लिए ये सबसे एक पूर्ण तरह से एक्सरसाइज का एक सिस्टम है. फर्स्ट पोजीशन, पाम्स टुगेदर, ब्रीदिंग आउट. ब्रीदिंग इन, आर्म्स अप, आर्चिंग बैक. पोजीशन 3, ब्रीदिंग आउट, बेंडिंग फॉरवर्ड एंड बेंडिंग डाउन. 4, राइट लेग बैक, knee on the floor, looking up, breathing in. 5, retaining the breath, push-up position, body in one straight line. 6, exhale, knees, chest, forehead on the floor. 7, sliding forward, inhale, head, shoulders and chest up. 8, exhale, hips up, heels to the floor, inverted V. 9, inhale, right foot forward between the two hands. 10, exhale, the left leg forward. 11, inhale, stretch your arms forward, arms up. 12, exhale, relax. ये सूर्य नमस्कार के 12 पोजिशंस हैं. ये हमने राइट साइड में किया, दाएं साइड पे किया, अब बाएं साइड पे वही चीज़ करेंगे. एंड सर्वांगासन के लिए पहले आप लेट जाएं, पैरों को जोड़ लें, हाथों को बगल में रखें शरीर के और सांस अंदर भरते हुए पैरों को उठा लीजिए. लिफ्ट योर हिप्स अप एंड लिफ्ट योर बैक अप और सपोर्ट करिए अपने बैक को हाथों से. और इस आसन को आप थोड़ी देर तक रोक के रखिए. सर्वांगासन का जो नाम है सर्व अंग आसन, ये हमें बताता है कि हर अंग के लिए ये आसन है. स्ट्रेचिंग द लेग्स फॉरवर्ड, स्ट्रेच योर आर्म्स अप, इनहेल, सांस अंदर भरते हुए और सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ झुक जाइए. होल्ड द पॉस्चर कंफर्टेबली, जितना भी आपको ठीक लगे, कंफर्टेबल लगे. पश्चिमोत्तानासन से सांस भरते हुए हाथों को आप लंबा करिए, उठाइए अपने आप को वापस ऊपर और सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे रख दीजिए. यह है पश्चिमोत्तानासन. फिर करेंगे हम लोग बैकवर्ड बेंड, पेट के बल लेट जाएंगे, करेंगे धनुरासन. ये पूरा स्पाइन के लिए वर्कआउट है. पैरों को आप पीछे से पकड़ लेंगे, टखनों को, माथा ज़मीन पर रखेंगे और सांस भरते हुए धीरे से अपने आप को सामने से उठा लेंगे और पीछे से उठा लेंगे. यू आर लिफ्टिंग योर सेल्फ अप फ्रॉम द फ्रंट एंड द बैक. द चिन इज पॉइंटिंग अप टू द सीलिंग, नीज आर पॉइंटिंग अप एज वेल एंड यू ब्रीदिंग डीपली. धीरे से सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे. उठ करके शशांकासन में बैठ जाएं, बैक को 1 मिनट के लिए रिलैक्स करें. तो योगा करने से पहले और योगा करने के बाद थोड़ी सी चीज़ें आपने ध्यान रखनी है. एक तो पेट आपका खाली रहे आसन और प्राणायाम करने से पहले. कम से कम 3 से लेकर के 4 घंटे तक का फासला रखें आफ्टर ए हैवी मील. अगर आप सुबह प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एक कप, छोटे कप चाय या बिस्किट लेने का से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पेट मोस्टली खाली रहना चाहिए.